राधे राधे भक्तों, आज हम आपको श्री भक्तमाल ग्रंथ की कथा के अंतर्गत भक्त श्री कूर्मदास जी की कथा सुना रहे हैं। बहुत ही दिल को छू लेने वाली कथा है, इसलिए अंत तक अवश्य सुने। भगवान किसी भी मनुष्य के ना तो शारीरिक सौंदर्य पर रिझते हैं और ना ही आर्थिक वैभव पर, क्योंकि उनके समान दिव्य सौंदर्य, दिव्य गुण और ऐश्वर्य संसार में किसी के पास भी नहीं है। वे तो केवल मनुष्य के हृदय के प्रेम को देखते हैं और उसी प्रेम डोर से बंधकर खींचे चले आते हैं। भगवान अपने प्रेमियों की भीड़ में हर एक से मिलने के लिए उत्सुक रहते हैं। सिर्फ सच्चे मन से पुकारना ही होता है। श्री कूर्मदास जी भगवान विट्ठल के परम भक्त हुए हैं। कूर्मदास जी पैठण नामक गांव में रहते थे। श्री कूर्मदास जी के बाल्यकाल से ही हाथ पांव के पंजे नहीं थे, इस कारण उन्हें अपने शरीर को किसी तरह से घसीटकर चलना पड़ता था। जहाँ तहाँ पड़े रहते थे और कुछ मिल जाता तो खा लेते थे। मुख से राम कृष्ण हरि विट्ठल केशव जपते रहते थे। एक दिन पैठण में संत एकनाथ जी के दादाजी पूज्य श्री भानुदास जी महाराज के द्वारा हरि कथा हो रही थी। श्री भानुदास जी सिद्ध महात्मा थे। दूर दूर से प्रेमीजन और संत महात्मा उनकी कथा में आया करते थे। कूर्मदास जी पेट के बल रेंगते हुए कथास्थल पर पहुँचे। उस समय संत श्री भानुदास जी पंडरपुर की आषाढ़ी कार्तिक मास की यात्रा का महात्म सुना रहे थे। कार्तिक की एकादशी में अभी 4 माह बाकी थे। कूर्मदास ने तत्क्षण निश्चय किया और पेट के बल रेंगते हुए चल पड़े पंडरपुर की दिशा में। यही तो है भगवत प्रेम। सिद्ध वास्तविक महापुरुष का एक क्षण का विसंग कल्याण कर जाता है। कूर्मदास जी ने रेंगते रेंगते जाना शुरू कर दिया। दिन भर में वे एक कोस से अधिक नहीं रेंग पाते थे। रात को कहीं रुक जाते और कुछ अन्न जल मिल जाता तो ग्रहण कर लेते। इस तरह 4 माह निरंतर रेंगते हुए वे लहुल नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ से पंडरपुर 7 कोस की दूरी पर था और दूसरे ही दिन एकादशी थी। किसी भी तरह कूर्मदास का वहाँ पर पहुँचना संभव नहीं था। उनका शरीर छिल गया था, कई स्थानों पर जख्म हो गए थे। अब आगे जाना संभव नहीं हो पा रहा था। भक्तों, यदि आपको यह कथा पसंद आ रही है तो जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अन्य कथाएं भी उपलब्ध हो सकें। कूर्मदास जी को समझ आ गया था कि अब उनका शरीर ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। पंडरपुर के रास्ते में झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे थे। जय विट्ठल जय विट्ठल गूंज करते अपार जन समूह, लेकिन कूर्मदास तो लाचार थे। वे सोचने लगे, क्या यह अभागा भगवान के दर्शन से वंचित रहेगा। अथाह दर्द, लेकिन उनकी दृढ़ता हिमालय जैसी अडिग थी। उन्हें विचार आया, मैं तो कल तक वहाँ भगवान के पास नहीं पहुँच सकता, लेकिन क्या सर्वसमर्थ भगवान यहाँ पर नहीं आ सकते। वे तो जो चाहे कर सकते हैं, प्रेम में क्या नहीं हो सकता। उन्होंने एक यात्री भक्त से विनती की, भगवान के नाम पर चिट्ठी लिखवाई। कहा, हे भगवान, ये बेहाथ पैर का आपका दास यहाँ पर पड़ा है, कल तक यह आप तक नहीं पहुँच पाएगा, इसलिए आप ही दया करके यहाँ आकर मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। यह चिट्ठी लिखकर उन्होंने उस यात्री के हाथ भगवान के पास भेज देने की विनती की। दूसरे दिन एकादशी को भगवान के दर्शन कर उस यात्री ने वह चिट्ठी भगवान के श्री चरणों में रख दी। इधर लहुल ग्राम में कूर्मदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। जोर जोर से बड़े आर्त स्वर से पुकार रहे थे, भगवान कब दर्शन दोगे, अभी तक क्यों नहीं आए। मैं तो आपका हूँ ना, इस प्रकार से अत्यंत व्याकुल होकर पुकारने लगे, नाथ कब आओगे, हे नाथ कब आओगे। कब आओगे की पुकार सुनकर स्वभाववश प्रेम अधीन भगवान पंडरीकनाथ श्री विट्ठल ज्ञानदेव नामदेव और सांता माली के साथ कूर्मदास के सामने आकर खड़े हो गए। कूर्मदास धन्य हो गए, अपलक
अपने विट्ठल को निहारते ही रह गए। चेतना आने पर किसी तरह भगवान के चरण पकड़ लिए। तब से भगवान विट्ठल जब तक कूर्मदास रहे वहीं पर रहे। संतों और भगवान के सानिध्य में ही महाभाग्यवान भक्तराज श्री कूर्मदास जी का शरीर छूट गया और विमान में बैठकर गोलोक धाम में गमन किया। वहां पर जो विट्ठलनाथ जी का मंदिर बना हुआ है वह इन्हीं कूर्मदास पर भगवान का मूर्त अनुग्रह है। यह है भगवान का प्रेम अनुबंध। मंदिर के बगल में पीछे की ओर एक कुआं है। आषाढ़ी यात्रा के समय कितना भी भयंकर अकाल पड़ा हो अथवा सूखा पड़ा हो, परंतु इस कुएं का पानी उस यात्रा के समय एकाएक भर जाता है। भगवान के साथ श्री चंद्रभागा नदी भी कूर्मदास जी की समाधि का दर्शन करने वहां पर आती है, ऐसा कहा जाता है। औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जिसने कितने ही मंदिर तोड़े थे, उसी औरंगजेब ने कूर्मदास जी का मंदिर और समाधि स्थान बनवाया था। यह कितना ही महान आश्चर्य है। संत कूर्मदास जी का भगवत प्रेम सुनकर वह कठोर हृदय क्रूर बादशाह द्रवित हो गया था और इस कारण वह मंदिर और समाधि उसने निर्माण करवाई थी। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और मुस्लिम तीनों तरह के लोग अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं। मंदिर में गाय के घी का दिया निरंतर प्रज्वलित रहता है। यदि इस कथा ने सच में आपके दिल को छुआ है तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।